अफसोस भी हुंदा बड़ा दुख भी लगता क्योंकि ये लुधियाना खन्ना गोविंदगढ़ सरहंद। और मैं बिट्टू जी का वेलकम करता हूँ अपने एमपी साहब का, और ये हमारी वॉइस है पार्लियामेंट में, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हमारे इश्यूज हैं आई थिंक ही विल हेल्प अस टू रिजॉल्व। मैं काटो एक्सपो का यह फोर्थ डे है, 23, 24, 25, 26 चार दिन की एग्जीबिशन 26 तरीक है, और बहुत अच्छा सानू रिस्पोंस मिले क्योंकि 650 कंपनियां 1500 लाइव मशीनस और 15,000 के करीब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिस्प्ले करके बैठिया हुई सी, जिन्होंने बहुत रिस्पोंस मिले। और आने वाले टाइम च जिहड़ी इह एग्जीबिशन है इंडस्ट्री का बहुत कुछ अपग्रेड करने च बहुत मदद करूगी। तो जो साड़ी एक्सपैक्टेशन सी कि 50,000 के करीब साढ़े को विजिटर होंगे, तो वो असी शाम तक थोड़ा दस देंगे हाँ जी 50,000 आ गया, 40,000 का आंकड़ा अभी कल ही पार करके सी। तब तुसी आप ही देख रहे हो कि रश है, बहुत अच्छा रिस्पोंस है। मैं थैंक यू करदा मीडिया का, एग्जीबिटर्स का, विजिटर्स का, जिहड़े मैकाटो नू नैक्सट लैवल से लैके जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिदा क्या गया भी बंगलोर की जी एग्जीबिशन मैकाटो एक्सपो के ये चार दिन बड़े ही अच्छे रहे। हम फानुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन प्रस्तुत किया, लोगों का रुझान
पहले दिन और आखिरी दिन में थोड़ा कम देखने को मिला, बाकी बीच के दो दिनों में काफ़ी अच्छा रुझान था। काफ़ी लोगों ने क्वेरीज़ की, आकर स्टॉल को देखा। जो टेक्निकल हमने शोकेस किए हैं अपने अपने इक्विपमेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आर्क वेल्डिंग का सेटअप है जो फानुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक जापानीज़ MNC कंपनी है। हमने यहाँ पर आर्क वेल्डिंग का ऑटोमेटेड सेल जो है ये दिखाया था। इसको देखकर जो पंजाब लुधियाना रीजन के लोग जो फैब्रिकेशन का काम करते हैं, जिनके पास बल्क में वेल्डिंग के बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट जिन पे वो अपने छोटे छोटे उद्योग, छोटी छोटी MSMEs में काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म उनको शोकेस किया है, जिससे वो फ्यूचर में जो भी इम्प्लीमेंटेशन है इस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का अपने प्लांट में कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने एक बहुत ही खूबसूरत ये एडवांस सिस्टम कोबोट मॉडल शोकेस किया था, जो कि रोबोट का एडवांस्ड वर्जन है। सो ये सारी टेक्नोलॉजी बेसिकली लगाई गई थी इस वजह से कि इस रीजन में जो भी अभी तक मैनुअल प्रोसेसेस हो रहे हैं इंडस्ट्री में, वो ऑटोमेट किए जा सके, लोग इनको देखें और इस टेक्नोलॉजी का वो फ़ायदा उठा सके बाय इम्प्लीमेंटेशन दिस इन देयर प्लांट्स। थैंक यू। फानुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फानुक जापान के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है जो कि दिया गया है वहाँ स्क्रीन पे। साथ ही साथ हम 21 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं इंडिया में। हमारा यहाँ पर रीजनल ऑफिस जो सेल्स टीम हमारी बैठती है वो मोहाली में है, और हाँ जी वेबसाइट भी है www.fanukindia.com पर हम अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर क्वेरी कर सकते हैं और कोई भी अगर किसी भी तरीके की किसी की क्वेरी है तो वो रीच आउट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। थैंक यू जी सर। हमें इधर पे अलग अलग मशीन्स के बारे में नॉलेज मिली, हम सेंट्रल टूल रूम साइड से आ रखे हैं, बाकी आपको हमारे फ्रेंड बताएंगे उनके बारे में आगे। अभिषेक, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ एग्जीबिशन में, काफ़ी अच्छा लगा। मशीनों के बारे में, लेटेस्ट मशीनें CNG होगी और ड्रिलिंग इस टाइप की हो रही है उसमें अंदर, काफ़ी अच्छा है और सही है काफ़ी। पहली बार आया? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, बहुत अच्छा, काफ़ी नॉलेज भी मिली। यस सर, काफ़ी होने चाहिए ताकि यो यंगस्टर है एंटरप्रेन्योर बनने का, क्योंकि हम लुधियाना से लोकल। हाँ जी हाँ जी, काफ़ी अच्छा लगा हमको और फर्स्ट टाइम हुआ। हमारे कॉलेज सिटी ने हमें रिकमेंडेड किया, आप एक बार जाओ विजिट CTR सेंट्रल टूल रूम, उन्होंने हमें रिकमेंडेड किया कि आप यहाँ विजिट करो ताकि आपको नॉलेज की चीज़ें जानने को मिले।